गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आ गया हूँ देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दिस इज़ इन संबलपुर, मेरे घर के पास में ही। वी आर स्टेइंग हियर ओवरनाइट एट द देबरीगढ़ नेचर कैंप। दिस इज़ आई थिंक द फर्स्ट फैमिली ट्रिप वी आर टेकिंग इन 4 years और समथिंग लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली कोविड के बाद ये मेरे अलावा मेरे फैमिली में, मतलब पापा मम्मी और मेरी बहन के लिए ये पहला आउटिंग है। सो एवरीवन इज़ लाइक क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। हेलो, अगले 24 घंटे के लिए मैं आपको अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। वी आर गोइंग टू गो ऑन अ सफारी, वी आर गोइंग फॉर बोटिंग, वी आर गोइंग ऑन सम जंगल ट्रैक्स जहाँ पे हम रह रहे हैं। आई विल शो यू द अकोमोडेशन एंड ऑल ऑफ इट। सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज गोइंग टू बी सुपरबली इंटरेस्टिंग एंड फन, एंड आई विल टेल यू व्हाई यू शुड बी प्लानिंग अ ट्रिप हियर। Hey everyone, my name is Antarik. For the last few years, I backpacked around the world making friends and creating memories. But then 2020 happened. After months of being locked at home, it's time for a new normal life adventure. अपनी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। देबरीगढ़ सेंचुरी जो है, दिस इज लोकेटेड राइट एट द एंड ऑफ द राइट डाइक ऑफ द हिराकुड डैम, 0 point जो है वहाँ से और 5 किलोमीटर आगे। सो ये पूरा टोटल हमारे घर से अराउंड 30-35 किलोमीटर है। अराउंड 11 बजे हम घर से निकले और हम पहले गए हिराकुड डैम में। वी वेंट टू द नेहरू मीनार। मीनार के ऊपर चढ़ना तो अभी अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ पे बस थोड़ा सा ऐसे ही देख के 2 मिनट हम आगे निकल लिए। वी ड्रोव ऑन द राइट डाइक। राइट डाइक से जो व्यू था आज पानी का, पता नहीं फॉर सम रीजन द वाटर लुक्ड कम्प्लीटली ब्लू एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो पूरा राइट डाइक पे ड्राइव करते हुए एंड पे हम आके पहुँचे 0 point पे, जो पहले एक बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट होता था। लाइक सब लोग वहीं पे पिकनिक करने आते थे, संबलपुर के लोग। बट अभी पिकनिक हैज़ बिन बैंड हियर बिकॉज लाइक वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन थोड़ा लोगों के दिमाग में घुस गया है। वेलकम टू 0 point। आई हैव नो क्लू व्हाई दिस इज कॉल्ड 0 point। ओए हाथी, ये तो चेंड है। इसको कैप्टिविटी में रखा गया क्योंकि इसने इट वाज डिक्लेयर्ड डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ। 10 साल पहले जब मैं लास्ट यहाँ पे आया था तब तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी था। देयर इज अ टी शॉप, दैट्स अ सफारी व्हीकल, अब सोवेनियर शॉप है, कुछ ऑफिस वगैरह है इनका। सो दैट्स द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंट्री। अक्रॉस ओडिशा काफ़ी सारे ऐसे नेचर कैंप्स हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क ये सब के अंदर में हैं, तो इनको बुक करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, आपको ऑनलाइन ही बुक करना है नीचे जो वेबसाइट है इस पर। एंड देबरीगढ़ जो है, दिस इज़ अपारेंटली वन विच रिमेन्स ऑन ह्यूज डिमांड, स्पेशली ये विंटर वाले मंथ्स में। दिस इज़ द ओरिएंटेशन सेंटर, यहाँ से यहाँ पर हमें बुकिंग दिखा के फिर अंदर को जाना है। पापा कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल द बेस्ट गाड़ी को। ऑफ रोडिंग करने के लिए मारुति 800 आ गया है। सो दिस इज़ इफेक्टिवली अ 24 hour प्लान ओवरनाइट स्टे का। तो हम अराउंड 12:30 के यहाँ पे पहुँचे थे। वी चेक्ड इन टू आर रूम एंड फिर थोड़ा बहुत आसपास ऐसे घूमे यहीं पे, लाइक एक्सप्लोरिंग अराउंड विद इन द कैंप साइट। और अभी प्लान है थोड़ी देर में हम बोटिंग करने जाने वाले हैं, बेसिकली स्पीड बोट राइड, एंड उसके बाद विल कम बैक हियर एंड विल बी गोइंग ऑन अ नेचर ट्रेल, बेसिकली अ ट्रेक थ्रू द फॉरेस्ट। सो दैट शुड बी गुड फन। शाम को ऐसे थोड़ा बस चिल विल मार के डिनर करके सो जाएंगे और फिर कल सुबह जल्दी अराउंड 6 बजे निकलना है हमें सफारी के लिए। उसके बाद सफारी से आके ब्रेकफास्ट करेंगे एंड विल चेकआउट। सो दैट विल इफेक्टिवली बी आर 24 hour प्लान। पूरे वो भालू नेचर कैंप। सो दिस इज द एंट्री जहाँ से हम अंदर घुसे थे, देबरीगढ़ नेचर कैंप। यहाँ पे ये कॉटेजेस हैं। सो ऑल दीज, आई थिंक दीज आर द 2-bedded वन, लाइक डबल बेड वाले। लाइक ऑल द कॉटेजेस आर नेम्ड आफ्टर द एलिमेंट्स, अग्नि, वायु, पृथ्वी, वो सब वैसे। वेलकम टू निर्वाणा।
ये चिल्ड्रंस पार्क है, यहाँ पे आते हैं थोड़ी देर में, बाकी घुमा के मैं फिर इधर आपको लाता हूँ। दिस लुक्स समथिंग लाइक अ वॉच टावर, ऊपर जाके देखते हैं कैसा है। चार फ्लोर, पता नहीं कितना है ये। एंड हियर वी आर राइट ऑन टॉप ऑफ द वॉच टावर। ओह नाइस, आज काफी फॉगी है तो होराइजन दिख ही नहीं रहा। वहां पे नीचे डक्स है, नाइस। चलो शाम को बोटिंग के टाइम पे देखेंगे उनको। अभी हमें बताया गया कि आज ज्यादा बुकिंग्स नहीं है, लाइक वी आर हियर एंड देयर इज आई थिंक अनदर फैमिली, दैट्स इट। अदरवाइज इनका यहाँ पे पूरा फुल्ली पैक्ड चल रहा है अभी। सो दीज आर मोर कॉटेजेस, ये हमारा वाला है, वी हैव बुक द 4-bed one। सो टाइम फॉर अ क्विक रूम टूर। सो वी बुक द 4-bed वाला रूम। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड तो लग रहा है मुझे, बट ठीक है, नॉट बैड, लाइक बेटर देन माई एक्सपेक्टेशंस। Expectations were really low. And this is the washroom area. That's the wash basin. The shower area. And that's the toilet. Or yahan se bahar jaake sir. Reservoir view. कॉटेजेस जो हैं वो इनके पुराने बिल्डिंग हैं, सारा पुराना कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे इनके कुछ नए ये वाले बिल्डिंग बने हुए हैं, सो दीज आर ऑल स्वीट्स, मतलब ऐसी डबल बेड वाले ही अकोमोडेशन है ये सारे भी। मुझे आते हुए लगा था कि वहाँ मेन डिब्रीगढ़ के एंट्री से वो फॉरेस्ट वाले व्हीकल में ही हमें अंदर लाएंगे, बट ऐसा नहीं था, हमें अपने गाड़ी से ही आना था। एंड आर मारुति 800 मेड इट, क्या बात है, आई वाज सरप्राइज्ड। एक्चुअली रोड इतना बुरा कुछ नहीं था, जंगल वाला ही मिट्टी वाला रोड था, बस कोई ऐसा खास ऑफ रोडिंग नहीं था, आराम से कोई भी गाड़ी आ सकती है। एनीवेज, सो नाउ हियर दिस इज द चिल्ड्रंस पार्क एरिया, जो वेलकम टू नर्वाना लिखा था ये इसके दूसरे एंड पे। ये काफ़ी सही सेटिंग एरिया है और काफ़ी अच्छे अच्छे फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ। पापा मम्मी थोड़ा रोमांस करने के मूड में, बहुत रेयरली ऐसे मौके दिखते हैं। A lot of photo ops, सही बने हुए हैं। अच्छा पीछे कैटरपिलर भी है, cool. Let me show you one of the 2-bedroom वाला भी, मतलब डबल बेड वाला रूम। cool. यहाँ का वॉशरूम, सो नाउ हियर वी आर एट द डाइनिंग हॉल, पंचतत्व। ये तो ओपन है, नाइस। दैट्स अ लॉट ऑफ फूड, दाल चावल, पनीर, गोभी, फ्रेंच फ्राइज, बैगन का भट्टा। तुम्हारा क्या नॉनवेज में? फिश सैलड और पानी का बॉटल है, लेकिन ये गुड सील्ड बॉटल नहीं है, एक्वागार्ड का ही पानी मिल रहा है। बोटिंग टाइम, देखते हैं वो वाले डक्स कहां पे थे। ओह सोलर पैनल्स, ये पूरा प्रॉपर्टी जो है सोलर पैनल से पावर्ड है, बट दे हैव डीजल जनरेटर बैकअप, एसी वगैरह वो सोलर से भी कनेक्टेड नहीं है फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग। एंड दिस इज द बोटिंग एरिया। आज मौसम थोड़ा सा वियर्ड सा है, मतलब काफी फॉगी सा है, पता नहीं क्या ही हमें व्यू मिलेगा।
मतलब लाइक यू कांट इवन सी द होराइजन दैट साइड, स्काई और पानी पूरे मिक्स्ड है। कूल Hi. Hello. 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 देवरीगढ़ सेंचुरी का यूएसपी है कि ये एक बड़े वाटर बॉडी के बगल में है, तो आप वाइल्ड लाइफ के साथ बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं पानी के ऊपर से भी। हिराकू रिजर्वर 743 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसके बड़े साइज की वजह से विंटर्स में यहाँ हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं हर साल। मुझे लगा था बोटिंग तो बड़ा बोरिंग सा एमी सा होगा, लेकिन ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, हमें जानवर बर्ड सब दिख गए। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है तो आज का एपिसोड यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो के पार्ट टू में हम चलेंगे जंगल वॉक पे और अर्ली मॉर्निंग वाइल्ड लाइफ सफारी पे। देवरीगढ़ नेचर कैंप के कॉस्ट और बाकी डिटेल्स भी मैं साथ में शेयर करूंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक इट, लीव अ कॉमेंट बिलो विथ योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू आर न्यू हियर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। Bye-bye.